नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ग्लोबल पुर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स ऑप्टिक्स का यह 18वां वीडियो है, यानी पार्ट 18 है। इसमें कुछ टॉपिक को लिए हैं डिस्पर्शन से संबंधित। तो देखिए, जिसमें से पहला टॉपिक है मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन। तो जब प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण का मान बहुत कम हो तब उसे न्यूनतम विचलन कहा जाता है। यानी प्रिज्म के द्वारा जो विचलन कोण बनता है, अगर वो बहुत कम होगा तो उसको हम लोग न्यूनतम विचलन कहते हैं, और इसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर, इससे पहले सिद्ध किए हैं, म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू बाय साइन ए बाय टू, ये सिद्ध किए हैं। प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें न्यूनतम की बात हो रहा है, तो नहीं सबसे कम। तो मान लेते हैं, यानी फॉर स्मॉल एंगल मान लेते हैं कि साइन डेल्टा प्लस ए बाय टू, ये लगभग का सिंबल है, लगभग डेल्टा प्लस ए बाय टू के बराबर हो, और साइन ए बाय टू जो है ए बाय टू के बराबर हो, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाय टू और बाय ए बाय टू, तो ये टू टू कट जाएगा, तो बचेगा म्यू तो यहाँ से ये ए को इधर कर दिए तो हो गया म्यू ए इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ए को फिर इधर कर दिए तो माइनस ए हो गया, ए कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस वन। इसको और डेल्टा जो यहाँ है विचलन कोण जो है, या मिनिमम डेविएशन है, न्यूनतम विचलन है, तो इसलिए इसको सूचित जो किए डेल्टा एम से, तो ये डेल्टा जो है डेल्टा एम हो जाएगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू हो गया म्यू माइनस वन इंटू ए, ए क्या है प्रिज्म का कौन है, तो ये मिनिमम डेविएशन हुआ यानी कि न्यूनतम विचलन। अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से सूचित किया जाता है। तो देखिए, परिभाषा पर ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन, परिभाषा कहना है कि लाल रंग का और बैंगनी रंग का जो रंग विचलन कोण होता है उसके अंतर को एंगुलर डिस्पर्शन यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ बैंगनी यानी डेल्टा भी बैंगनी रंग का विचलन कोण और डेल्टा आर लाल रंग का विचलन कोण, ये दोनों का जो अंतर होगा तो एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल टू हो गया डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। सूचित की बात करें तो एंगुलर डिस्पर्शन को थीटा सूचित किए, तो थीटा इक्वल टू हो गया डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी मतलब बैंगनी रंग का विचलन कोण और डेल्टा आर मतलब लाल रंग का विचलन कोण, ये दोनों का जो अंतर होगा उसको एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। इसको और अगर आगे बढ़ाएँ तो देखिए क्या होगा, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए अभी तुरंत पर है, तो इसके आधार पर अगर चलें तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। अब ये दोनों की सपोर्ट कर दिए तो थीटा बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस वन इंटू ए, फिर माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए, तो इसमें से ए दोनों में से कॉमन ले लिए, तंदर बचेगा म्यू भी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस प्लस वन, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन और इंटू में ए हो गया, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो बच गया थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। कहने का मतलब है अगर इसको हम अपवर्तन के रूप में लें, तो विचलन कोण के रूप में ले तो थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, अगर इसको अपवर्तन के रूप में अपवर्तनांक के रूप में ले तो थीटा बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। तो ए क्या है विचलन कोण है, तो ये अपवर्तनांक से संबंधित हुआ। अगला पॉइंट है मीन डिस्पर्सन यानी मध्य वर्ण विक्षेपण। तो मध्य वर्ण विक्षेपण, पीला और लाल रंग के
प्रकाश का विचलन कोण के अंतर को मध्य वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा एम से सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यानी पीला और लाल, तो पीला और लाल रंग का जो विचलन कोण होगा उसके अंतर, अर्थात डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर, वाई मतलब येल्लो, यानी येल्लो रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होगा उसी को हम थीटा एम बोलेंगे, यानी कि मीन डिस्पर्सन बोलेंगे। अब इसी को फिर उसी तरह अगर लिखें, यानी अपवर्तनांक से संबंधित लिखें, तो अभी तुरंत करके निकाल लेते तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो हो जाएगा थीटा एम इक्वल टू मीन डिस्पर्सन इक्वल टू हो जाएगा यानी डेल्टा म्यू म्यू वाई माइनस म्यू आर इंटू में ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है डिस्पर्सिव पावर यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात थीटा और मध्य विचलन डेल्टा, तो डिस्पर्सिव पावर जो हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण बाय मीन डेविएशन मध्य विचलन के अनुपात को डिस्पर्सिव पावर बोले, यानी कि ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा बटे लैम्डा डेल्टा। इसको अगर मान लीजिए और चेंज करें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा यानी थीटा, थीटा बराबर क्या होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाय ये डेल्टा। फिर इसको अगर अपवर्तनांक में बांटे तो अपवर्तनांक में बांटे तो ये ऊपर वाला को इतना हम पीछे किए हैं और डेल्टा की जगह म्यू माइनस वन इंटू ए भी किए हैं, तो दोनों का मान रख दिए तो ये ए कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन। ये आपको अपवर्तनांक से संबंधित हो गया। अगर डायरेक्ट परिभाषा के अनुसार लिखे तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण टेंथ में भी है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कोई भी श्वेत प्रकाश है अगर उसको प्रिज्म से गुजारते तो वह सात अवयवी रंगों में बट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, इसमें जो सात रंग का पट्टी प्राप्त होता है उसको एक अलग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम, लेकिन इसको विभजौर के नाम से भी जानते संक्षेप में, यानी इसमें प्राप्त होने वाली पट्टी को विभजौर के नाम से जाना जाता है, तो स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है यानी वर्णपट हिंदी में, जो कि आगे मिलेगा। फिलहाल यह देख लेते, देखिए यह फिगर है, ये प्रिज्म है और ये इससे श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो ये जो है सात रंगों में बट गया, तो सबका नाम हो गया वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी भीस हुआ वायलेट यानी बैगनी, आइस हुआ इंडिगो यानी जामुनी, बीस हुआ ब्लू यानी नीला, जीस हुआ ग्रीन यानी हरा, वाइस हुआ येल्लो यानी पीला, ओस हुआ ऑरेंज यानी नारंगी और आर्स हुआ रेड यानी लाल। ये सात रंग प्रकाश का, प्रकाश के सातों रंगों का नाम है, तो संक्षेप में विभजौर इसको बोला जाता है। तो अगला टॉपिक देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। तो देखिए, एक बार और आया है विचलन कोण, वो आपको परावर्तन में आया था, तो दर्पण संबंधित हम वहाँ परिभाषा देख लिए थे, तो यहाँ प्रिज्म में आया है, तो इसलिए प्रिज्म से संबंधित विचलन कोण का परिभाषा देखेंगे। तो प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद एक निश्चित कोण पर मुड़ जाती है, उसी कोण को विचलन कोण कहा जाता है, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो बोले थे वहाँ डी से भी सूचित करते, तो डी से भी कर सकते डेल्टा से भी। तो
इसका कहना है कि प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो वो एक निश्चित कोण पर मुड़ता है, और जिस कोण पर मुड़ जाता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये फिगर की बात करते हैं तो ये प्रिज्म है, इससे जो प्रकाश गया है इस तरह से मुड़ गया, तो इसको पीछे बढ़ा है और इसको पीछे बढ़ाए, तो जिस कोण पर ये मुड़ रहा है, ये जिस कोण पर मुड़ रहा है, तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्पर्सिव पावर हो ही गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? वह उपकरण जिसका उपयोग प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए होता है तो उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। यानी स्पेक्ट्रोमीटर से जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक को मापा जाता है, तो इस उपकरण को स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है इसका फिगर भी देखें। देखिए ये है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का फिगर है। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्टैंड है जिस पर ये लेंस कसा हुआ है जिसको हम कॉलीमेटर बोले, और इधर सोर्स है जहाँ से वो प्रकाश आएगा, तो कॉलीमेटर से होकर गुजरेगा, तो यहाँ एक टेबल यानी वृत्ताकार एक टेबल है, इस पर प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है। तो ये वृत्ताकार टेबल पर प्रिज्म रखा है, प्रिज्म टेबल हो गया जिस पर प्रिज्म रखा है। अब ये प्रिज्म से होकर जब ये प्रकाश गुजरता है तो इधर जो है दोनों आँख से जब हम लगते हैं तो इसके लिए दो टेलीस्कोप होता है, यानी T1 और T2 टेलीस्कोप है ये, और दोनों आँख से देखते हैं। तो एक आँख से रेड प्रकाश के लिए, एक वायलेट यानी इसके बीच में सब प्रकाश आ जाएगा। तो इसके मदद से जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक को हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इसी उपकरण को स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। फिर ये जो तीनों चीज़ देख रहे हैं, ये तीनों को हम देख लेते हैं बारी बारी से, तीनों चीज़ क्या है। तो देखिए यानी स्पेक्ट्रोमीटर में तीन भाग होता है, जो कि तीनों फिगर में हम लोग देखे तीन भाग था, एक उधर कॉलीमेटर था और एक प्रिज्म टेबल और एक टेलीस्कोप। तो कॉलीमेटर पहला भाग था यानी सोर्स से जो प्रकाश आ रहा था इससे होकर गुजरता है। उसके बाद दूसरा भाग था प्रिज्म टेबल, तीसरा भाग था टेलीस्कोप। तो कॉलीमेटर क्या होता है? वह बेलनाकार नली जिसके एक किनारे पर एक वर्नियर लेंस लगा होता है तो उसे कॉलीमेटर कहा जाता है। ये तो कॉलीमेटर के लिए परिभाषा हो गया। आप कॉलीमेटर से होता क्या? तो स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणें जब कॉलीमेटर से गुजरता है तब केवल एक ही रंग का प्रकाश बाहर निकलता है और प्रिज्म के सतह पर पड़ता है। तो एक वर्नियर लेंस होता है, एक वर्नियर लेंस में केवल एक ही रंग का प्रकाश पार कर पाता है। दूसरा है प्रिज्म टेबल। तो वह वृत्ताकार टेबल जिसकी सतह पर एक प्रिज्म लगा रहता है तो उसे प्रिज्म टेबल कहते हैं। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी इसके द्वारा केवल वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का। और तीसरा भाग है टेलीस्कोप, यानी स्पेक्ट्रोमीटर में दो अलग अलग टेलीस्कोप का प्रयोग किया होता है, जो T1 तथा T2 है, जिसके सहायता से लाल रंग और बैंगनी रंग का प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें परिभाषा हम लिखा है कि अपवर्तनांक को निकालने के लिए क्या जाता है, ताकि अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा। तो याद कीजिए प्रिज्म से जब अपवर्तन हुआ था तो म्यू बराबर ये फॉर्मूला निकला था, म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 / sin a/2, ये म्यू बराबर निकला था। तो म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। तो नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर जो सूत्र होगा साइन डेल्टा प्लस a/2 / sin a/2, ये क्या है? प्रिज्म कोण, और डेल्टा क्या है? विचलन कोण। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन हो गया विचलन कोण, और ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे नए टॉपिक के साथ। अबे यार।